ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की चर्चा भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के है, और दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हमेशा की तरह आज भी पहले आपको पंचांग के विषय में ही जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 फरवरी सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज, नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग रहेगा परीक प्रातः 10:38 तक, उसके पश्चात शिव योग आरंभ हो जाएगा, करण होगा बालव और राशि होगी कुंभ। राहुकाल की समय अवधि रहेगी शाम 4:44 से लेकर शाम 6:08 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगी। शुक्र ग्रह जो है वो मकर राशि में रात्रि के 4:52 पर प्रवेश करेंगे आज, और आज ही के दिन श्री लाल दयाल जयंती भी है, और शनि पश्चिम में अस्त होंगे प्रातः 5:16 पर, यानी कि आज की रात्रि और 12 की प्रातः 5:16 पर ये अस्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसी पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि जिंदगी की ओर एक उदार रवैया आपको अपनाना चाहिए, और अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुखी होने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यह ज्यादा मांगने वाली सोच जीवन की सुगंध को भी खत्म करती है और संतोषी जीवन की आशा का गला भी घोंट देती है। अगर आप आय में वृद्धि के कुछ सोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में आपको निवेश करना चाहिए अपने धन का। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहने वाली है आज के दिन, और जो आपका लवमेट है आज आपसे किसी चीज की डिमांड कर सकता है लेकिन आप उसे पूरा नहीं करने वाले, जिसकी वजह से आपका लवमेट हो सकता है आपसे नाराज। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए अपनी इच्छा से करने वाले हैं न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है आज। केश सज्जा और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफ़ी समय लगा सकते हैं और इसके बाद आप काफ़ी अच्छा भी महसूस करने वाले हैं। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य चालीसा एवं सूर्यदेव की आरती जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, शुभ अंक आपके लिए 6। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, क्षणिक गुस्सा जो होता है ना, होता तो वो कुछ ही पल के लिए लेकिन विवाद और दुर्भावना का कारण बन जाता है, और जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के कुछ नए स्रोत उनके द्वारा बन सकते हैं। शाम का जो समय है मित्रों के साथ बिताना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा, साथ ही छुट्टी का जो है आप एंजॉय भी करेंगे उनके साथ, छुट्टी बिताने की योजना पर भी कार्य करेंगे, उस पर भी आप प्लानिंग करेंगे। और आपका जो प्रेमी है आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा आपकी बातें एक तरीके से कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो सकता है। खेल कूद जीवन का जरूरी हिस्सा होता है यूं तो, लेकिन खेल कूद में इतने भी आपको व्यस्त ना होना, मतलब इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में ही कमी आ जाए। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है, और रिश्तों से परे आपकी जो अपनी एक दुनिया भी है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, और उस दुनिया में आज आपकी दस्तक आपके द्वारा दी जा सकती है। उपाय आप करें, भगवान में पूरी आस्था रखिएगा और मानसिक हिंसा से बचना है, इससे आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए 7। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, हृदय रोगियों के लिए जो कॉफ़ी होती है जिसको लोग पीते हैं बड़े चाव के साथ पीते हैं, वो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके छोड़ने के लिए ये बहुत ही सही समय है, और अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त प्रेशर डालेगा ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित जो बिल हैं या उधार हैं उनको चुका पाएंगे। किसी पारिवारिक भेद का खुलना आपको चकित कर सकता है
और दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय भी बर्बाद हो सकता है और ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ धन का खर्च अधिक करने वाले हैं या कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। बहुत ज़्यादा बातें करके आज आपको थोड़ा सा हेडक भी हो सकता है, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही बात कीजिएगा। उपाय आप करें, अगर आज आप उमंग एवं उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं तो गमलों में काले सफ़ेद मार्बल के दाने जरूर रखें। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 1। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। प्रिय साथियों, ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और दीर्घावधि मुनाफे के नज़रिए से अगर आपको लंबी अवधि का मुनाफा चाहिए तो आप उस नज़रिए से स्टॉक या म्यूचुअल फंड आदि में अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और पुराने जो परिचित हैं उनसे मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहने वाले हैं। ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों की ओर से। और दूसरों को ये बताने के लिए ज़्यादा उतावले आप बिल्कुल ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसीलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना बिल्कुल ना भूलें। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें अपने लिए संजो सकते हैं और अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। उपाय आप करें, गणपति जी के मंदिर में मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा बच्चों को भी इसको बांटें। ऐसा करने से आपका लव लाइफ बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक आपके लिए 9। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। साथियों, बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक में बदल सकते हैं और थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर का आप योजना भी आज के दिन बना सकते हैं। उनका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भरेगा और अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी भी मामले को लेकर आज आपका थोड़ा सा कहासुनी हो सकता है। हालांकि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे बाद में। और ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी कार्य की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है और चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुमकिन है और अपने प्रिय को याद करना ही बेहतर रहेगा क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आज की मुलाकात में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। उपाय आप करें, साधु या गुरु को पीले या भगवे वस्त्र पांव छूकर भेंट करने पर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा और मजबूत होगा, सुखद भी होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए 8। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। साथियों, आप जल्दी लंबे समय से जो चलती कुछ आ रही बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, उससे बाहर निकल करके आप एक अच्छी सेहत की ओर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे खुदगर्ज और गुस्सैल इंसान से आपको बचना चाहिए जो आपको टेंशन देना चाहते हैं या तनाव देते हैं और आपकी परेशानियों में भी वृद्धि करते हैं। अनचाहा कोई मेहमान भी आज आपके घर आ सकता है जिसके आने से आपको घर के उन सभी सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने के लिए टाला हुआ था। और एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। आज के दिन रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय रहेगा और आज अपने जीवन साथी का वह रुख देखने को भी मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। अपना पसंदीदा संगीत सुनना आपको एक चाय के प्याले से अधिक ताजगी का अनुभव देगा आज के दिन। उपाय आप करें, किसी काले कुत्ते की देखभाल कीजिएगा, ऐसा करना प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 5। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, आपकी सबसे बड़ी जो पूंजी है ना वो है हंसने हंसाने की जो आपकी शैली आदत है और अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग आपको करके देखना चाहिए। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना दिखती है यानी कि दिन के उत्तरार्ध में जाकर के।
क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिलने के काफी अच्छे पॉसिबिलिटीज हैं, और आज आपका ऊर्जा से भरपूर जो जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यवहार है आपके आसपास के लोगों को काफी खुश करेगा, और किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में आप मदद कीजिएगा अगर कर सकते हैं। दिन आपके लिए उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय जरूर निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। माता के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं और आज वो आपसे आपकी बचपन की बातें शेयर कर सकती हैं। उपाय आप करें, काले घोड़े की नाल से बना छल्ला पहनने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, शुभ अंक आपके लिए 5। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। साथियों, आज आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगा और प्रगति भी आपकी काफी हद तक निश्चित दिखाई देती है, और आपके द्वारा धन को बचाने के जो प्रयास हैं आज थोड़ा उसमें आपको असफलता मिलेगी। हालांकि आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हालात जल्दी उनमें सुधार होगा। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा आपको नहीं खोना है, इससे सिर्फ आग और भड़केगी। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे नहीं झगड़ सकता। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें, आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे और आज आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजार लेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने के आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं और आज आपके पास सभी चिंताओं को भुलाकर अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने का समय है, दिन है। उपाय आप करें, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख लें और फिर उस तेल को एक तरीके से उसके गुलगुले बना करके पक्षियों में डालिए, यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी और शुभ अंक आपके लिए 3। धनुराशि यानी के सेजिटेरियस साइन। साथियों, अपने डर का इलाज का वक्त आ चुका है। आपको समझना होगा कि न सिर्फ यह शारीरिक ऊर्जा को चूस लेता है बल्कि जिंदगी को भी कम करता है, यानी जिंदगी के दिन कम करता है। फौरी तौर पर मजे लेने की जो आपकी प्रवृत्ति है ना, उस पर आपको काबू रखना चाहिए और मनोरंजन पर भी जरूरत से ज्यादा अपने पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। आपके जीवन साथी की जो सेहत है आपको थोड़ा चिंता में जरूर डाल सकती है आज के दिन, और विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय। अगर आप विवाह करने के मूड में हैं तो प्रपोजल्स आएंगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाते हैं तो तल्ख टिप्पणी करने से भी बचना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हाँ, तो फिर आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, और आज किसी शादी में भी आप जा सकते हैं। वहाँ शराब का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उपाय आप करें, अनंत मूल की जड़ को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने पर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक आपके लिए 8। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन साइन। तो साथियों, आज अब आपको बताएंगे कि मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं, और आपका जो अजीब रवैया है लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, और इसीलिए आप में थोड़ी झुंझलाहट भी पैदा होगी इसी के कारण। और आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड भी खराब हो सकता है, और आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम आपको देने वाले हैं, एवं घरेलू तनाव दूर करने में आपकी मददगार भी साबित होंगे। किसी के प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में आपको मदद करनी है, और आप स्वयं को समय देना चाहते हैं, और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की भी अच्छी संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम वगैरह भी जा सकते हैं। पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा प्रभावित रह सकता है। केश सज्जा और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफी समय भी आपका लग सकता है, और इसके बाद आप काफी अच्छा महसूस करने वाले हैं। उपाय आप करें, अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहते हैं उसके लिए छिलके सहित बादाम, साबुत मूंगफली, चने की दाल, घी, पीला कपड़ा किसी देव स्थान में जाएं, किसी धार्मिक स्थान में जाकर के देने से स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए एक। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो साथियों, आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है आज के दिन, लेकिन अपने उत्साह को आपको नियंत्रण में जरूर रखना है, क्योंकि ज्यादा खुशी भी कई बार परेशानी का कारण बन जाती है व्यक्ति के लिए। और अतिरिक्त धन को रियल इस्टेट में निवेश आप कर सकते हैं। आपका जो मजाकिया स्वभाव है आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। और जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं, तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखिएगा। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चय ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। काफी वक्त बाद आप और आपका जो जीवन साथी है एक शांत दिन साथ बिता सकते हैं। और जब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ प्यार हो, अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। उपाय आप करें, लाल चंदन से स्नान करने से लव लाइफ अच्छी चलती है। साथियों, शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए 9। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। साथियों, बस आप एक ही अपना फॉर्मूला एडॉप्ट कीजिएगा आज के दिन। मुस्कुराहट चेहरे पर रखिएगा, क्योंकि ये सभी समस्याओं का सबसे बेहतरीन इलाज है। अगर आप सूझबूझ से काम ले रहे हैं तो आज अतिरिक्त धन भी आप कमा सकते हैं। घरेलू कामकाज आपको ज्यादातर वक्त व्यस्त रखेगा और आपकी शोहरत भी बढ़ने वाली है आज। और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए काफी समय रहेगा। और आज आपको ये महसूस भी होगा कि जीवन साथी की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ कहासुनी के चलते माहौल थोड़ा सा बोझिल हो सकता है, लेकिन यदि आप स्वयं को शांत रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो सबका मूड बढ़िया आप कर सकते हैं। ऐसा करके उपाय आप करें, पीले रंग की कांच की बोतल लें, उसमें पानी भर लें, उसको थोड़ा देर धूप में रखें और फिर उसको जो पीने का पानी है उसमें उसके साथ उसको सेवन करें। मिला करके पारिवारिक जीवन सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए 7। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 11 फरवरी सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2080 का। और हमने आप सभी को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होने जा रहा है। लेकिन प्रिय साथियों, समय आ गया है कि जब हमें अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।